गुड मॉर्निंग गर्ल्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। गर्ल्स, मैंने आज आपको ग्रामर का काम शुरू कराना है। मैं शुरू से करा रही हूँ। सबसे पहले हर्फ आता है, पहले मैं वेब बनाया, फ्लो चार्ट है, हर्फ हर वो अल्फाज जो हम अपने मुँह से बोलते हैं हर्फ कहलाता है। हर्फों का बामानी मजमुआ लफ्ज़ कहलाता है। लफ्ज़ के आगे हमारे पास दो किस्में हैं, एक है जी कलमा और दूसरा है मोहमल। कलमा के आगे तीन अकसाम हैं, इसम, फेल, हर्फ रब। फिर इसम के आगे, इसम की अकसाम है बनावट के लिहाज से मस्तर, माशतर, जामिर। इसम की अकसाम दो तरीके से हैं, मायने के लिहाज से इसम मारफा और इसम नकरा। अब आपकी सहूलत के लिए आगे से मैंने इस्तेमाल किया है कलर्स का, इसम मारफा की इकसाम इसम अलम, इसम इशारा, इसम ज़मीर, इसम मौसूल। इसम अलम की मैंने ना ब्लू कलर में ही रखी हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। खिताब, लकब, तखल्लुस, कुनियत और इसम इशारा की हैं पांच। फिर है इसम अलम की। इसम इशारा की दो इकसाम हैं, ग्रीन कलर में इसम इशारा करीब, इसम इशारा बैद। इसम ज़मीर की तीन इकसाम हैं, ज़मीर हाजिर, ज़मीर गायब, ज़मीर मुतकल्लम। इसम मारफा की चौथी किस्म इसम मौसूल, सिला और जवाब सिला। इसी को हम आगे लेकर चलेंगे। जो हमने इधर मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, तारीफ हर्फ, इंसान के मुँह से निकलने वाली आवाज़ के हर हिस्से को हर्फ कहते हैं। उर्दू ज़बान बोलने, लिखने और सीखने के कुछ हरूफ हैं, इन्हें हरूफ तहजी कहते हैं। इनकी तादाद 37 है। लफ्ज़ जिन हरूफ को जब हरूफ को हम ख़ास तरतीब से जोड़कर लिखते हैं लफ्ज़ बन जाता है। मसलन पे, पे के साथ जमा अलिफ, जमा सीन बराबर है पास के। पास एक बामानी लफ्ज़ है। कलमा, हर बामानी लफ्ज़ जैसे हमने ये पास बनाया था, हर बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। मसलन कुर्सी, मेज़ वगैरह। इसके बाद हम आते हैं कलमा के बाद दूसरी किस्म हमने पढ़ी थी अपने फ्लो चार्ट में, मोहमल। हर बामानी लफ्ज़ को मोहमल कहते हैं, यानी बेमानी लफ्ज़ को मोहमल कहते हैं। मतलब जिसका कोई मीनिंग ना हो, जो मतलब ना रखता हो, उसे हम मोहमल कहते हैं। मसलन मेज़ तो बामानी है कलमा, उसी तरह वेज बोलेंगे तो वो बेमानी हो जाएगा। वर्सी, फिर है हमारे पास नेक्स्ट, हमने इसम देखा था, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसके मिसाल, मसलन अली, लाहौर और किताब, ये इसम है। इसके बाद है जी फेल, वो कलमा जो किसी भी काम के करने, होने या सहने को जाहिर करता है। मतलब किसी भी काम को, खेलना, सोना, उठना, खाना पीना, हर काम जो है फेल कहलाता है। उसके बाद है हर्फ रब। फर्ज करें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये जैसे मैंने मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर इसमें हूँ ना हो और मैं ना हो तो लफ्ज़ हमारा पूरा नहीं, जुमला पूरा नहीं होता। वो कलमा जिसमें जो इस्म तो हो और जो इस्म और फेल को नहीं होता बल्कि इस्म और फेलों को मिलाता है, तो हर्फ रब कहलाता है। मसलन का, में, से, तक, को। जैसे ये उर्दू की किताब है, अगर मैं इसमें से की निकाल दूं और है निकाल दूं तो हमारा जुमला बेमानी हो जाएगा, ठीक है। तो हर्फ रब कहलाते हैं। इसके बाद हम मायने के लिहाज से आते हैं, इसम मारफा और इसम नकरा। इसम मारफा किसी भी ख़ास शख्स, चीज़, जगह के नाम को इसम मारफा कहते हैं। मसलन कायद आज़म, लाहौर, मीनार पाकिस्तान वगैरह। इसके बाद है इसम नकरा। इसम नकरा आप सब पहले भी पढ़ते आए हैं और आप जानते हैं कि इसम नकरा किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं। मसलन कुर्सी, मेज़, किताब वगैरह।
इसके बाद गर्ल्स हमारे पास आती हैं इसम मारफा की एग्ज़ाम। यहाँ तक मैं वीडियो ख़त्म करके अब जो मैं नई वीडियो इसी से आगे लिंक्ड है वो स्टार्ट करूँगी, वो हमारी वीडियो नंबर 2 होगी। ठीक है, थैंक यू।